When a glass slab of refractive index 1.5 is placed on a cross marked on a paper, the cross appears to be raised by 2 cm. The thickness of the slab is. Okay. तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि एक पेपर है, मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, इस पे कोई क्रॉस का मार्क लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर इन्होंने कहा एक ग्लास स्लैब रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ग्लास स्लैब। तो बच्चों ये कोई हमने ग्लास की स्लैब रख दी ऐसा, ठीक है, और कह रहे जब ग्लास की स्लैब रखी गई तो ये जो मार्क है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर महसूस होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि जब कोई ग्लास की स्लैब रखते हैं तो हमको ऊपर से देखने पर एक अपेरेंट हाइट महसूस होती ना, तो इसकी जो रियल हाइट है इस ग्लास शेप की वो हमको बतानी, पर इस ग्लास शेप की थिकनेस बतानी है कि कितनी थिकनेस होगी। तो इसकी जो रियल डेप्थ है समझो वो क्या है? एच। अब आपको पता है ना कि जब कोई ग्लास स्लैब रखते हैं किसी पेपर पर तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो पार्ट है थोड़ा सा ऊपर उठा महसूस होता है। क्यों होता है जरा देख लेते हैं। तो भाई होता क्या है कि जैसे इससे एक लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल की डायरेक्शन सीधी, तो ये लाइट रे तो सीधे बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे 90 डिग्री कोई लाइट रे किसी मीडियम पे गिरती है तो वो सीधे चली जाती है बाहर नॉर्मल के डायरेक्शन में, है ना, ये रूल होता है ना। अच्छा, दूसरी अगर एक लाइट रे ऐसे जाती है, हैं, तो क्या होगा? अंदर क्या है? ये ग्लास है, ग्लास का मतलब डेंसर, बाहर क्या है? एयर, एयर का मतलब रेयरर। तो यहां से अगर नॉर्मल ड्रा करोगे तो क्या दिखेगा? ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि ये इसके बजाय सीधे के बजाय ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। जब ये बाहर की तरफ बच्चों मुड़ जाएगी लाइट रे तो क्या होगा? इसका एक अगर पीछे इसको मिलाओगे तो यहां मिलती हुई महसूस होगी, यानी कि ये है तो क्रॉस यहां पे ओ पॉइंट पे, बट आपको जो दिखेगा वो कहां दिखेगा? ओ डैश पॉइंट पे। तो बाहर से देखने पर आपको यहां दिखता है, तो जो डेप्थ दिखती है ये कहलाती है अपेरेंट डेप्थ। ये वाली डेप्थ, ये x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेप्थ। और h इसकी क्या है? रियल डेप्थ, है ना, और यही h है थिकनेस ऑफ द ग्लास, ये हमको पता करनी है, ठीक है। और ऐसा उन्होंने दे रखा है कि जो h है वो x से 2 ज्यादा है। उन्होंने बोला ना कि ये इमेज 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है, मतलब ये नीचे वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को पता क्या करना है बच्चों? अपने को पता करना है यहां पे h की वैल्यू। तो यानी कि x की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूं? मैं h माइनस 2 कह दूं यहां से, देखो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अपने को पता है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का रिलेशन क्या होता है, तो बच्चों रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये ग्लास, जिसे यहाँ ग्लास रखा हुआ तो ग्लास ले लेंगे, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर किसके होता है? रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, अच्छा है, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास कहने की यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? एच अपॉन एक्स, एक्स की जगह एच माइनस 2, क्योंकि अपने को एच यानी कि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब फाइंड करनी है, और बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना दिया है? ये हमने n सपोज कर रखा है और n की वैल्यू उन्होंने दे दिया है 1.5, वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा? h अपॉन h माइनस 2 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू 1.5, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा? 1.5h माइनस 2 इंटू 1.5 यानी कि 3, क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तभी। तो ये बच्चों इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो देखो इसको उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा? 1.5h पहले से है, h उधर जाएगा तो माइनस h हो जाएगा, ये माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3, क्लियर है? तो यहाँ से क्या बचेगा? ये बचेगा 0.5h और उधर क्या बचा है हमारे पास? 3, तो h कितना हो गया? 3 अपान 0.5,
पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, से इसको डिवाइड करेंगे सिक्स टाइम्स। सो एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो द थिकनेस ऑफ द स्लैब विल बी 6 सेंटीमीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।